ये बिल्डिंग किसकी है? सर आज आपने मेंढर का दौरा किया है, किस विषय पर है, क्या कहेंगे सर? आज हमने मेंढर में मैंने और SSP साहब ने यहाँ पे दौरा किया। एक तो हमने ऑब्जर्वर साहब ने यहाँ मीटिंग रखी थी और हमने यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन का एनालाइज किया, जो जनरल हमारी पोल्स की प्रिपेयरनेस है उसको रिव्यू किया है। और हमारे जो RO साहब और ARO साहब है हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे और हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो पोलिंग में आएंगे सामने उनके बारे में, जैसे शॉर्ट मिनिमम फैसिलिटीज़, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की डिप्लॉयमेंट, कैमराज की डिप्लॉयमेंट और जो CCTV कैमराज की डिप्लॉयमेंट, उन सब पे डिटेल में चर्चा की है। और अभी हम कुछ पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे हैं, इस समय हम गोलहाट में हैं और वहाँ पर चेक कर रहे हैं कि जो शॉर्ट मिनिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं है। सर ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आप रेगुलर हर जगह विजिट कर रहे हैं, तो किस तरीके से तैयारियां जो है ऑलमोस्ट लगभग डिस्ट्रिक्ट के सारे जो ACs हैं और सारे एरियाज़ को मैंने विजिट किया है, चाहे वो पुंछ के हवेली के LOC के कुछ पोलिंग स्टेशंस हो या टाउन के कुछ पोलिंग स्टेशंस हो। आज हमने मेंढर के पोलिंग स्टेशंस विजिट किए हैं, ये कल हमने सूरनकोट के पोलिंग स्टेशन विजिट किए थे। इस तरीके से हम मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे हैं ताकि पोलिंग वाले दिन जो 25 सितंबर है उस दिन हमारे जो वोटर्स हैं उनको कोई परेशानी ना हो। सर एक आखिरी सवाल, सुरक्षा को लेकर बात है तो किस तरीके से बंदोबस्त? सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, इनफ नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल आर देयर और एडिशनल कंपनीज भी जो है वो आई हैं और पूरे सिक्योरिटी सिचुएशन को एनालाइज करके SSP साहब के साथ मिलके डिटेल डिप्लॉयमेंट प्लान बनाए गए हैं और अच्छे से सिक्योरिटी का जो ध्यान रखा गया है। थैंक यू।